सहारा इंडिया में एक दशक से अधिक समय तक फंसी पूंजी रहने के बाद आपको बता दें जुलाई 2023 में जमा पूंजी वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय के निधन के बाद जमाकर्ताओं को फिर से चिंता सताने लगी कि कहीं ये प्रक्रिया रुक न जाए। रॉय का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दरअसल वर्ष 2011 में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIREL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SHICL को करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया गया। सेबी का कहना था कि दोनों कंपनियों ने नियम और कानून का उल्लंघन करके यह धन जुटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें दोनों कंपनियों को निवेशकों का धन 15% ब्याज के साथ लौटने का आदेश दिया। सहारा समूह के जद्दोजहद के बाद 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक में जमा करा दी, जो अब बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इसी पैसे को लौटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, सहारा के देहांत से इस रिफंड प्रक्रिया पर क्या कोई असर पड़ेगा? आवेदन कैसे किया जाएगा? कौन से जमाकर्ता इसके पात्र हैं? जैसे बड़े सवाल पर लगातार जो हमारे साथी हैं उन लोगों के जहन में जरूर आता होगा जिसका पैसा फंसा पड़ा है। क्या सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के देहांत से सहारा रिफंड की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ेगा? नहीं। सरकार के अधिकारियों के का दावा है कि चूंकि ये पैसा पहले से ही बाजार नियामक सेबी की निगरानी में बैंक में जमा है, इसलिए सहारा प्रमुख के देहावसान से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा करने के लिए कौन पात्र होगा? सहारा समूह की सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता ही CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र है। ये समितियां हैं हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड हैदराबाद। और सवाल जो आपके जहन में उठता है कि क्या वे सभी जो लोग जिनका बकाया जमा इन समितियों में है वे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। पात्रता में कुछ समय सीमा जोड़ी गई है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार रिफंड का पात्र होने के लिए अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग समय सीमा है। जैसे कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में जमा और लेनदारी 22 मार्च 2022 से पहले की होनी चाहिए, जबकि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा और लेनदारी 29 मार्च 2023 से पहले की होनी चाहिए। अगला सवाल जो आप लोगों के जहन में जरूर आता होगा, क्या जमाकर्ताओं को CRCS यानी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा करने के लिए कोई शुल्क देना होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपसे कोई शुल्क मांगे तो आपको नहीं देना। इसका आंसर है नहीं। सरकार का कहना है कि रिफंड आवेदन निःशुल्क है, दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के जहन में ये आता होगा कि रिफंड क्लेम करने की आखिरी तारीख जो लास्ट डेट वो क्या है? इसका जवाब मैं आपको बता दूं, सरकार ने रिफंड क्लेम करने के लिए अब तक आखिरी तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अगर आपका पैसा फंसा है तो बिना देरी किए क्लेम दाखिल कर दें। लेकिन बहुत लोगों का सवाल ये है कि मैंने क्लेम भी दाखिल किया, सब कुछ किया, थक हार कर बैठ गया, लेकिन मेरा पैसा वापस नहीं आया। उन लोगों के लिए मैं जवाब देना चाहूंगी कि आप पेशेंस बना के रखें, आपका पैसा आएगा। अगर सरकार को वोट चाहिए तो फिर आपका पेमेंट तो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है तो पेमेंट तो आपका मिलेगा ही। अगर आपके अंदर आपके जहन में और भी बहुत सारे सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।